सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको ये सर्च का आइकन दिख रहा होगा, वहां पर प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है पाइथन। टाइप करने के बाद आपको एंटर पे प्रेस कर देना है। आपको इस एप्लीकेशन पे टैप करना है। इंस्टॉल का बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस कर देना है। एक बार जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है, आपको इस ओपन के बटन पे टैप कर देना है। सारे फाइल्स को इंस्टॉल होने देना है। छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे ही सारे फाइल्स इंस्टॉल हो जाते हैं, आपको इस फाइल के बटन पे टैप कर देना है। उसके बाद सेव एज के बटन पे टैप करना है। उसके बाद अलाउ के बटन पे टैप कर देना है। आपको यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर टैप कर दो। उसके बाद न्यू फोल्डर पे टैप करना है। आपको फोल्डर का यहाँ पर नाम रखना है। नाम आप कुछ भी रख सकते हो। नाम रखने के बाद आपको इस क्रिएट के बटन पे टैप कर देना है। उसके बाद न्यू फोल्डर के आइकन पे टैप करना है और यहाँ पर आपको नाम रखना है। नाम रखने के बाद आपको इस सेव के बटन पे टैप कर देना है। आपको अपना माई फाइल्स ओपन कर लेना है और उस फोल्डर पे जाना है जिस फाइल को आप डिकोड करना चाहते हो। मैं आपको एक इमेज को डिकोड करके दिखाने वाला हूँ, तो सबसे पहले इमेज पे टैप कर देना है। अब जैसे ही आपको इमेज मिल जाएगा, उस पर लॉन्ग प्रेस कर देना है। फिर इस तीन बटन पे टैप करने के बाद कॉपी कर लेना है। इस फाइल को उस फोल्डर में ले जाइए जिसे हमने अभी क्रिएट किया था। उसके बाद डन के बटन पे टैप कर देना है। उसके बाद इस इमेज पे लॉन्ग प्रेस कर देना है। फिर इस तीन डॉट पे प्रेस करने के बाद रीनेम में टैप करना है। इमेज का नाम को आपको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल टाइप करना है। नाम लिखने के बाद आपको रीनेम में टैप कर देना है। अब आपको अपने पाइथन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। आपको स्क्रीन में जो भी दिख रहा है उसे टाइप कर लेना है। F is equal to open, याद रहे open का वो स्मॉल लेटर में है। इतना लिखने के बाद आपको दो स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। फिर उस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको फाइल के पूरे नाम को लिखना होगा। नाम लिखने के बाद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक कॉमा लगाना है। कॉमा के बाद फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर RB टाइप कर देना है। अब दूसरे लाइन में आपको टाइप करना है प्रिंट। P स्मॉल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद दो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपको टाइप करना है। बस आपको इस रन के बटन पे टैप करना है और आपका फाइल डिकोड हो जाएगा। चाहो तो आप म्यूजिक को भी डिकोड कर सकते हो। जिस म्यूजिक को आपको डिकोड करना है उसे उस फोल्डर में ले जाओ जिसे हमने अभी क्रिएट किया था। उसके बाद उस म्यूजिक को भी अपने सहूलियत के हिसाब से रीनेम कर लेना। रीनेम करने के बाद आपको उस फाइल के नाम को यहाँ पर एंटर कर देना है। फाइल को डिकोड करने के लिए पहले की तरह आपको इस रन के बटन पे टैप कर देना है। हमारा म्यूजिक भी डिकोड हो चुका है। इसी तरह से चाहो तो आप एक वीडियो को भी डिकोड कर सकते हो। फिर से इस वीडियो के नाम को यहाँ पर आपको टाइप करना है। इसके नाम को टाइप करने के बाद आपको इस रन के बटन पे टाइप कर देना है। अब ये वीडियो भी डिकोड होना चालू हो गया है। ये एप्लीकेशन किसी भी फाइल को डिकोड कर सकता है। अगर आपके मोबाइल के स्पेसिफिकेशन ज्यादा है तो ये जल्दी डिकोड करेगा। और ये कितने साइज के फाइल को डिकोड कर सकता है वो सब मोबाइल के स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है। अगर मैं अपने मोबाइल की बात करूँ तो ये तकरीबन 100 MB के फाइल को डिकोड कर सकता है। तो हमारी ये वीडियो अब यहीं पर खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने मिला होगा। और अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय द वे, इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये अमेजिंग नॉलेज मिल सके। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।